आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर इसके पहले ये एक और निर्मल बाबा से लेकर सब लोगों का पर्दाफाश हुआ है और एक दिन ऐसा समय आएगा इनका भी पर्दाफाश होगा, पोल खुलेगी, एकदम खुलेगी। मैं इनसे कहता हूँ इनकी फ्लाइट की टिकट मैं खुद बुक करके दूंगा, वहाँ पर इन्हें जो सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना है पूछिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। मंजूर है, बोल, मैं दे रहा हूँ किराया, नहीं करना पड़ेगा तेरा तो फिर उंगली क्यों दिखाता है, उंगली क्यों दिखाता है? समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतजार कीजिए। ये कह रहे हैं समय बलवान होता है, सही में समय बलवान है। जिस नरेंद्र मोदी के आगे ये लोग चिल्लाते थे ना, आज उसके आगे ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। कौन कौन जो सत्य है वो बताते हैं, आप जैसे लोग झूठा उनको बोल रहे हो। इनके रिश्तेदार बीबीसी की रिपोर्ट है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में हुआ चमत्कार, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है, और बता दीजिए। तो बीबीसी किसका है? कांग्रेसियों का है, आपका कांग्रेसियों का है वो। ये जो लोग कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी हैं, एबीपी न्यूज के उनके कार्यक्रम में एबीपी न्यूज के उन्होंने कहा कि मेरे चाचा का नाम कोई बता सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री जो पूज्य महाराज जी हैं, उन्होंने कहा इस पत्रकार के चाचा का नाम डैश है। मुझे उसके चाचा का नाम तो मुझे भी याद नहीं है क्या था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कार्य हुए हैं। कल ये वीडियो इतनी वायरल हुई है, शायद यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है इतनी देर में, उन्होंने से किसी ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। अब वो पत्रकार सामने से आता है कि हाँ मेरे चाचा का नाम ये है, ये है धीरेन्द्र शास्त्री और सनातन की ताकत। बस पहले भी एक दिन पहले खुद इंटरव्यू लिए थे, समझ में आ गया सर, ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो रहा है। एक दिन पहले गए थे वो पत्रकार, एक दिन पहले भी गए थे और इंटरव्यू लिया, दोनों का इंटरेक्शन हुआ अगले दिन। अब इंटरेक्शन हुआ अगले दिन, जो अगले दिन फिर आए और बात हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हम रैंडम कोई किसी को भी उठाओ तब ना हम मानेंगे, हम रैंडम किसी को भी उठाओ। आपको लग रहा है ये सब ढोंग है? ढोंग महा ढोंग है, ये ढोंग नहीं है। जब आपको जब श्याम जो जो उनके वो सवाल उठाया, जब उनको वहाँ से नागपुर से बुलाया, वहाँ पे बुलाया था रायपुर में, दो दिन के दरबार लगाया था, बोला हमारे को सिद्ध करो आकर के, क्यों ना आया वहाँ पे? जब उसको किराया मुहैया करा रहा था, सुरक्षा मुहैया, सुनो आपको गलत लग रहा है? क्यों दो दिन पहले क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके किसी आपके घर में किसी के ऊपर देवता देवी आया क्या? देव पर कभी भूत लगा क्या आपको? फालतू चीज है आपको, हमको लगा है फालतू चीज है हमको लगा है, लगा आप है चला जाए यहाँ राजस्थान में मंदिर है वो बालाजी का मंदिर है, वहाँ जाके देखना, फिर वहाँ फालतू वहाँ जाके कभी गया क्या? मैं किराया तो मैं लेकर चला हूँ। कहना चाहता हूँ ये जो बोल रहे हैं कि वो ढोंग और पाखंड है, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ। एक मिनट कब पता चलेगा? दबा दुआ दोनों काम होता है, समझ गई मेरी बात? दबा दुआ के दोनों काम होता है, किसी पे उंगली उठाने का पहले अपने देखना से गिरमान में झांको, पहले अपने गिरमान में झांकना, किसी को गलत नहीं समझा रहे। तो 4 लाख आदमी बेवकूफ है, 4 लाख आदमी बेवकूफ है, 4 लाख आदमी बेवकूफ है, 4 लाख बेवकूफ है, 4 लाख बेवकूफ है, तू सही है, 4 लाख बेवकूफ है, तू सही है, 4 लाख बेवकूफ है। मैं इनकी एयरप्लेन की टिकट बुक करूंगा छत्तीसगढ़ की, एक मिनट हमको कौन क्या कौन आ रहा है उनके देखने के लिए? हो सकता है, एकदम हो सकता है, हम क्या करें? हो सकता है, वो ये नहीं बोला हम बाबा हैं, हम महात्मा हैं, हम साधु हैं, ये नहीं बोला उसने, बोला बजरंग बाली पे कृपा रखो, बजरंग बाली पे कृपा रखो। आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर इसके पहले ये एक और निर्मल बाबा से लेकर सब लोगों का पर्दाफाश हुआ है और एक दिन ऐसा समय आएगा इनका भी पर्दाफाश होगा, इस बात को देख लीजिएगा, होगा, एकदम होगा, इस बात को रख लीजिएगा। आने वाला दिन एक दिन समय आएगा, अभी अभी है, अभी बात अभी देखिए, अभी आएगा आएगा एकदम आएगा। अरे आसाराम का आ गया जी, एकदम खुलेगी। एक मिनट, बाबा राम रहीम को अपनी गोद में बिठाने वाले सुन ले कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ इनकी फ्लाइट की टिकट मैं खुद बुक करके दूंगा, वहां पर इन्हें जो सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना है पूछिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। मंजूर है, बोल, मैं दे रहा हूँ किराया, नहीं करना पड़ेगा तेरा तो फिर उंगली क्यों दिखाता है? उंगली क्यों दिखाता है? समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतजार कीजिए आप। समय, अरे अब टिकट किससे? एक चिल्लाइए, ये कह रहे हैं समय बलवान होता है, सही में समय बलवान है। जिस नरेंद्र मोदी के आगे ये लोग चिल्लाते थे ना, आज उसके आगे ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। कौन 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 गिड़गिड़ा रहा है? आपको क्या लग रहा है? एक मिनट, आपको क्या गिड़गिड़ा रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई इसमें कोई डाउट है? क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट है आपको? मीडिया जो है तो बेवकूफ था, मीडिया भी बेवकूफ था, लैब भी बेवकूफ था, 4 लाख आदमी बेवकूफ है।
हम पूछ रहे हैं जो एबीपी के पत्रकार गए थे वही एबीपी के जो पत्रकार थे एक दिन पहले उनका इंटरव्यू ले रहे थे जी, हाँ फिक्सिंग हो गया उसमें, हम पूछ रहे हैं उसमें फिक्सिंग नहीं हो सकता है? कैमरे के अंदर क्या होता है ये कौन जान रहा है जी, कौन जान रहा है? हम पूछ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सब फिक्सिंग का खेल है? नहीं नहीं फिक्स, डिटेल दिखा, डिटेल दिखा, बताते हैं जो सत्य है वो बताते हैं। आप जैसे लोग उनको, आप जैसे लोग झूठा उनको बोल रहे हो, आप जाओ फिर जाओ आना, हम अकेले नहीं है, समझ में आ गया ना, आप बात करते हैं। जिंदाबाद योगी जी, जिंदाबाद योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। इनके इनके रिश्तेदार बीबीसी की रिपोर्ट है कि धीरेंद्र शास्त्री के पंडाल में हुआ चमत्कार, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है, और बता दीजिए। तो बीबीसी किसका है? कांग्रेसियों का है, आपका कांग्रेसियों का है वो बीबीसी, लंदन का है ना, ब्रिटेन का। लेकिन धीरेंद्र ढोंगी है ना? नहीं सर, कौन कहता है? देखो देखो, हिंदुस्तान जो है वो एक सांस्कृतिक देश है, हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है। इस देश के अंदर जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से यहाँ चमत्कार ही होते रहे हैं। जिस समय पर ये नासा नहीं था उस समय भी हमारे बड़े बुजुर्ग पुरोहित वगैरह एक्सप्लेन करके बता देते कब ग्रहण लगेगा, तो क्या कहेंगे? उस समय पर वो जादू टोना होता था, बताइए, उस समय भी तो होता था। लेकिन आपको क्या लग रहा है, चमत्कार है या कोई वैज्ञानिक पद्धति है? नहीं सर है, देखो इसमें चमत्कार तो है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। आपने आप एक बात बताइए, यहाँ पर अगर 1500 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो लोग जैकेटें पहन लेते हैं। आपने वो ऋषि मुनि भी देखे होंगे जो बर्फों में महात्मा लोग सिद्धियां कर रहे होते हैं, तो क्या कहोगे उसको? तो राहुल गांधी भी हैं जो टी शर्ट पहन के घूम। अरे भाई उसकी तौबा, वो जब यहाँ पर 15 डिग्री था ना तब वो टी शर्ट में घूम रहा था, जम्मू पहुंचा 20 डिग्री के अंदर तो वहां पर उसने जैकेट पहन लिया। सनातनी है इसलिए सवाल किया जा रहा है, और दूसरा विषय उत्पन्न ये होता है कि वो सनातन धर्म के पुजारी हैं इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर वो किसी चर्च के पादरी होते या किसी मस्जिद के मौलाना होते तो शायद अब तक सवाल पूछने वालों के। और दूसरा विषय, ये जो लोग आकर सवाल पूछ रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप संवैधानिक देश में रहते हैं लेकिन मर्यादा में रहकर सवाल पूछिए। किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उतना ही लगाया जा सकता है जितना आपकी हैसियत हो, ऐसा ना हो पाकिस्तान से फंडिंग करने वालों के बाजार ही बंद हो जाएं। और ये जो लोग आकर कह रहे हैं ना, एक कहावत बड़ी मशहूर है, हाथी चले अपनी चाल कुत्ते भौंके हजार, वही धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ हो रहा है कि वो चल रहे हैं अपनी चाल लेकिन कुत्ते और धर्म विरोधी लोग भौंक रहे हैं हजार। ये भौंकते रहे फर्क नहीं पड़ता, आखिर में जीत सनातन और हिंदुत्व की ही होगी। लेकिन अंतर क्या है? आप चर्च का नाम ले रहे हैं, मदरसे का भी नाम ले रहे हैं, उस मस्जिद का भी नाम ले रहे हैं जहां पर यह सब होता है, लेकिन अगर सनातन धर्म में यह होता है तो वो सही कैसे? फिर सनातन धर्म में यह सही इसीलिए होता है क्योंकि वो बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की मूर्ति के आगे ये बोलते हैं। अगर ये किसी दूसरे के आगे बोलते तो शायद ऐसा नहीं होता। नागपुर में जब उनके ये कार्यक्रम हुए जहाँ पर उनसे ये बोला गया था, उसी समय दो दिन पहले मेरे नितिन गडकरी जी के साथ शिष्टाचार भेंट थी। नितिन गडकरी जी से लगभग 8 घंटे तक हमारी कुछ मीटिंग्स चली थी, वो मैं यहाँ पर एक्सपोज नहीं करूँगा। आपने वो मीटिंग और मेरी तस्वीरें देखी थी और मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन उसी के बाद ये चीज़ें क्यों होती हैं? नागपुर में पादरियों की गोद में बैठकर षड्यंत्र रचने वाले लोग कब से बताने लग गए कि वो सनातन धर्म के पुजारी हैं और उन पर सवाल पूछने लग गए? इनको ये लाइसेंस दिया किसने है? 22 तारीख, चलिए आपने संवैधानिक तौर के ऊपर ये प्रश्न पूछ भी लिया, मैं मानता हूँ आप पूछ सकते हैं, मैं नयन मार्गन हूँ, मैं तो असद्दीन ओवैसी से सवाल पूछ लेता हूँ तो आप तो फिर भी इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल सामने रहकर पूछे जाता है। असद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में मेरे सामने सवाल बोलते हैं तो मैं उनके सामने जवाब देता हूँ, पीठ पीछे जवाब नहीं देता। आपके खबर इंडिया के चैनल के साथ मैं संवाद कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर आपने मुझे 4:30 का टाइम दिया तो मैं 4:30 बजे ही सवाल बोलूँगा, मैं 6:30 बजे आकर तो आपको ढूंढूंगा नहीं। वही हाल है धीरेंद्र शास्त्री के साथ। 22 तारीख को उनके कार्यक्रम थे, वो 25 तारीख को शेड्यूल क्यों, 25 तारीख को उनके सवाल क्यों पूछे जाते हैं? पादरियों की गोद में 10-10 लाख रुपए बैठकर खाने वाले और पाकिस्तान की फंडिंग पर अपने 2 कौड़ी के पेट को चलाने वाले लोग हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठाएं तो अच्छा है। और आखिरी बात और सच्ची बात, जिस तरीके के ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये बस बात और बकवास ही करते रह जाएंगे।
सनातन और राम मंदिर बनता ही रहेगा। कांग्रेस नेता तो मैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2023 तक के आखिर तक और 2024 की शुरुआत तक कहा है कि राम मंदिर बन जाएगा। इनसे मैं बोलना चाहता हूँ जिन्होंने आरोप लगाया है, जाइए और किसी गरीब की मजार से चादर चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब के बदन पर चादर चढ़ाइए, चर्च पर कैंडल जलाने से अच्छा किसी के घर में रोशनी से कैंडल लगाइए, और मंदिर में दान गलत चाहे कोई भी हो मैं नहीं झुकूंगा, मंदिर में दान देने से अच्छा किसी गरीब की झोली में दान दीजिए, यह कार्य कीजिए, तभी आपस में हिंदुस्तानी और अच्छे समर्थक आए जाएंगे। और हिंदू सहनशुरु हैं, दिक्कत यह है अगर हिंदू इनके जैसा हो गया तो जीभ कहीं होगी और बोलने वाला कहीं होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता ने तो आरोप लगा दिया, अगर इतने ही ज्ञाता हैं तो कोविड और आतंकी हमले को लेकर के पहले क्यों नहीं बोल दिया कि ऐसा होने वाला है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 10 तारीख को, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ 30 तारीख को, क्रीड़ाएं कैसे हो सकती हैं? उनके पंडाल में सवाल पूछे जाते हैं, उनके पंडाल में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी आते हैं और बीजेपी के निवर्तमान मुख्यमंत्री भी आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उसका नाम है, उसके दरबार में पक्ष भी आता है विपक्ष भी आता है, उसके दरबार में सारे आते हैं। इनको दिक्कत बालाजी सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री से ये है कि बस वो सनातन का समर्थन करते हैं, जो राम का विरोध करता है, जो देश का विरोध करता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो चीन का समर्थन करता है, उसके विरोध में अगर कल को कोई बोलेगा और हमने उसका समर्थन नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी तब धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में ऐसा बोला जा रहा था, तब आप क्या मुंह को छात दूसरे खेल में व्यस्त थे? नहीं, आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है, इसे धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करना है, क्योंकि हमने उनका समर्थन नहीं किया तो आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाली है, अगर हम उनका समर्थन करेंगे तो 10 धीरेन्द्र शास्त्री और निकलेंगे और वो सनातन का लोहा मनवाएंगे, जो देश सनातन और संस्कृति का समर्थन करता है उसका समर्थन हम करेंगे। चाहे लगता है कि घर वापसी हजारों लोगों की घर वापसी कराना बाबा को भारी पड़ा है बाबा को मैं उनकी पूजा नहीं करता, मैं भी कहता हूँ, मैं आपसे भी नहीं कहता हूँ कि उनका पूजा कीजिए, लेकिन जो राम मंदिर बनाने का समर्थन करता है उसके लिए थाल सजाने का कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी जी हो। और दूसरी बात, जो आपने कहा है कि बाबा ढोंगी हैं तो कल 20 चैनल उनके पंडाल में गए थे, 20 चैनल उनके पंडाल में गए थे, मैं बाबा का प्रवक्ता या प्रमाण पत्र तो नहीं लेता, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रमाण पत्र लेके घूमता हूँ।